दोस्तों, मैं हूँ भी आज आपके सामने लेके आया हूँ कि इंडिया में जो फर्स्ट टाइम वागनर होते हैं उसे कौन सा डॉग ब्रीड लेना चाहिए। अगर उसको गार्डिंग के लिए चाहिए फिर भी वो एक फर्स्ट टाइम वागनर है, उसे कौन सा डॉग ब्रीड लेना चाहिए, उसे क्यों वो डॉग ब्रीड लेना चाहिए, ये सब बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और चलिए देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, फर्स्ट टाइम डॉगनर एक ऐसा आदमी होता है जो अपने लाइफ में कभी भी डॉग नहीं रखा, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है डॉग्स के बारे में, कि एक गार्ड डॉग जो काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकता है उसे ठीक से ना पाला जाए तो एक गार्ड डॉग कैसा होता है। एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड को कभी गार्ड डॉग नहीं बनाया जाता, जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, ऐसे लेबराडोर, इसको कभी भी गार्ड डॉग नहीं बनाया जाता। और जो जर्मन शेफर्ड है वो कभी भी आपके साथ खेलेगा, आपके साथ मजा करेगा, लेकिन वो आपको छोड़ के कभी भी दूसरों के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपको ही पहचानेगा, आपके पास ही रहेगा। वो उसके मतलब कि दोस्तों, अगर वो बड़ा हो जाएगा और आप बोलेंगे कि उसको छोड़ देंगे, वो नहीं हो सकता दोस्तों। वो बड़ा ही हो जाएगा तो वो आपके पास ही रहना चाहेगा, वो आपको छोड़ के किसी और के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जर्मन शेफर्ड है, उसका ब्रीड ही ऐसा है, उसको नहीं टाला जा सकता दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होता है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि लैब्राडोर गार्डिंग के लिए नहीं होता, लेकिन कोई कोई बंदा होता है कि जो लैब्राडोर को समझता है कि ये गार्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा डॉग है, इसको मोटा सोटा है, एकदम बड़ा है, इसको लेना चाहिए तो गार्डिंग के लिए ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, ऐसा कुछ ब्रीड होता है जो गार्डिंग के लिए नहीं होता, वो सिर्फ फ्रेंडली, फ्रेंड और मज़े के लिए होता है। लेकिन अगर आपको गार्डिंग के लिए चाहिए तो आप फर्स्ट टाइम डॉगनर हैं तो आपको जर्मन शेफर्ड ही लेना चाहिए। अगर आप रॉटविलर लेंगे तो आपको काट सकता है, अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए रॉटविलर को, क्योंकि रॉटविलर काफ़ी एग्रेसिव डॉग ब्रीड है, काफ़ी जाइंट ब्रीड है, उसे नहीं लेना चाहिए दोस्तों फर्स्ट टाइम डॉगनर के। अगर हैं आप तो रॉटविलर काफ़ी एक डेंजरस डॉग ब्रीड है फर्स्ट टाइम डॉगनर के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉगनर नहीं है तो आपका कोई बात नहीं, आप मज़े से लीजिए रॉटविलर को, वो काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है, उसको गार्डिंग के लिए तो दोस्तों उसका कोई जवाब ही नहीं, वो आपके घर में चोर घुसने ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम डॉगनर हैं तो आपके लिए जर्मन शेफर्ड ही है दोस्तों। जर्मन शेफर्ड आपका पास जो रहेगा, आपका जर्मन शेफर्ड जो आपके पास रहेगा, आपका घर में कोई चिंता ही नहीं कि आपके पास छोटा लड़का हो या फिर बच्चे हो, आपके घर में उसका कोई चिंता नहीं है। जर्मन शेफर्ड आपको मालिक को समझता है, अपने मालिक को समझता है। तो फर्स्ट टाइम डॉगनर के होने के बाद अगर आप रॉटविलर लेते हैं तो उसको रखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, अगर आप ठीक से उसका केयर नहीं करेंगे। और दोस्तों, अगर आप एक पिटबुल का पप्पी बाय करते हैं तो उसे मत कीजिए, आप नहीं संभाल पाएंगे। फर्स्ट टाइम डॉगनर के लिए पिटबुल है ही नहीं। आपको अब जब बाय करने जाएंगे आपको पूछा जाएगा कि आप एक फर्स्ट टाइम डॉगनर हैं या फिर नहीं। अगर आप बोलेंगे हाँ मैं एक फर्स्ट टाइम डॉगनर हूँ तो आपको नहीं दिया जाएगा, कहीं कहीं जगह पे दिया जाता है लेकिन नहीं दिया जाएगा मेरे अनुभव के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों एक फर्स्ट टाइम डॉग ब्रीड के लिए पिटबुल नहीं है, वो काफ़ी काफ़ी एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। अमेरिका में उसके 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 काटने से काफ़ी लोगों के जान चला गया है। और जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो फर्स्ट टाइम डॉगनर भी रख सकते हैं, वो गार्डिंग में भी अच्छा है, वो फर्स्ट टाइम डॉगनर के लिए भी अच्छा है और काफ़ी तरफ से वो अच्छा है। तो मैं आपको बोलूँगा मेरी तरफ से कि आप जर्मन शेफर्ड ही लें, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, तभी आपको फर्स्ट टाइम डॉग ओनर को जो एक्सपीरियंस वो मिल जाएगा कि गार्ड डॉग होने के बाद भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए अच्छा होगा जर्मन शेफर्ड। मैं यही बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।